फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट खुशी, और आप देख रहे हैं व्हाट्स योर विचार। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ रहा है, और इसी के बीच हमारे सामने एक फैक्ट आया है जो ये प्रूव करता है कि जैनिज्म इज नॉट ओनली अ धर्म बट इट इज ऑल्सो साइंस। जो सेफ्टीज एंड प्रिकॉशंस हमें बताए जा रहे हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए, वो जैनिज्म में सदियों से चले आ रहे हैं। और इसी बात को और समझाने आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर प्रमोद भाटा, जो फॉलोअर है जैन धर्म के। जय जय जैनिंद्र। जैसा कि खुशी जी आपके व्यूअर्स से बढ़ रहे, मैं उन सबको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज जिस महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, इस धरातल पे कोरोना नाम की जो बीमारी चल रही है, उसके अंदर जो डॉक्टर और साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइज जो उसका ट्रीटमेंट मेन बता रहे हैं, वो सारा जैन धर्म के फॉलोअर्स के साथ में। हमारे जैन धर्म में सदियों से जिस चीज को मानते हुए हम लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आती है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब आपसे एक दूसरे से दूरी। उसके अंदर जैसा कि नॉर्मल लाइफ के अंदर आदमी हैंडशेक करता है, हग करता है, हमारे यहाँ जय जिनेंद्र नमन किया जाता है। जय जिनेंद्र एक ऐसा शब्द है जिसको कोई भी बोल सकता है। ये जितने विश्व में भगवान है, सब भगवानों से रिलेटेड करता है, ये सिर्फ जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मास्क लगाना चाहिए। खुशी जी, मैं आपको बता दूं कि आप जैन साधु साध्वियों को अगर रास्ते में चलता हुआ देखेंगे तो उनके मुंह पे एक कपड़ा लगा होता है जिसको हम मुपत्ति बोलते हैं, वो एक प्रकार का मास्क है। और उस मास्क का रीजन ये रहता है कि हम जब किसी से कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमारे अंदर के कुछ जीवाणु जो हमें दिखते नहीं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो दूसरे को जा सकते हैं, और जिससे उसको कुछ एलर्जी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती, तो उनको रोकने के लिए सदियों से चला आ रहा एक सिस्टम है। तीसरी चीज जो डॉक्टर विशेष तौर पर बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अब आप नॉर्मल पानी, फ्रीज का पानी अवॉइड कीजिए, आप वाइल्ड वाटर पीजिए। वाइल्ड वाटर का मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दूं कि हमारे जैन धर्म के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं होती हैं, लोग एक दिन से लेकर 90 दिन तक के उपवास करते हैं, जिसके अंदर वो लोग कुछ भी नहीं खाते, उनका दाना मुंह में नहीं रखते, वो सिर्फ इसी गर्म पानी के ऊपर जीवित रहते हैं। तो गर्म पानी के अंदर आपके अंदर की ताकत को बढ़ाने की बहुत शक्ति होती है, और मैं आपके व्यूअर्स से बोलूंगा कि सब लोग गर्म पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। चौथी चीज हम बात करते हैं एक प्रकार का काढ़ा, जो सब जगह बोल रहे हैं, किसी वेद से या किसी से भी आप बात करेंगे, कहेंगे अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आपको एक काढ़ा पीना है, जिसके अंदर वो साबुत मसाले जो अपने आते हैं, सोंठ, इलायची, काली मिर्ची, ये सब चीजों को मिक्स करके, तो ये हमारे जैन धर्म के अंदर इसको चाय का मसाला बोलते हैं, जो हम टी के अंदर नॉर्मली डाल के पीते, और वैसे इस मसाले से जो हम विशेष काढ़ा बनाते हैं उसको हम उकाली बोलते हैं। इसके अंदर ये मसाले के साथ में हम गुड़ या शुगर दोनों में से किसी भी एक चीज को मिक्स कर रहे हैं, और उसके अंदर पानी में अच्छे से बॉइल करने के बाद में वो हम पीते हैं। उससे हमारे जितने भी शरीर में इंफेक्शन होते हैं, गले से लेके नीचे तक के सारे वो क्लियर कर देता है। तो ये चीज आपको डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार पीनी चाहिए इस काढ़े को। अब उसके बाद आता है कि अगर भगवान ना करे किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको बोलता है आप सेल्फ क्वारंटाइन करो। उसके अंदर ये होता है कि आपको अपने परिवार के सदस्य जो आपके साथ रेगुलर साथ में रह रहे हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना है, आपको अपने आप अकेले में रहना है। ये हमारे धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या होता है कि हर कोई आदमी दीक्षा नहीं ले पाता, हर कोई आदमी अपना सांसारिक जीवन नहीं छोड़ पाता, तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज आचार्यों ने हमें एक चीज सिखाई कि आप 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए आप अपने परिवार को छोड़ के एक छोटी दीक्षा ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको अपना परिवार छोड़ के आपको पर्सनल अलग से लेके स्वाध्याय करना है। आप किसी से बात नहीं करेंगे, पारिवारिक रिलेशन आपके खत्म हो जाते, आप पर्सनल सिर्फ अपनी आत्मशुद्धि के लिए वो कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो मेडिटेशन है। अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन होंगे, आप जब जाएंगे इसमें, तो उसके अंदर आपके अंदर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक विशेष रूप से एक बात बता देता हूं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए
जैन समाज के ये पांच क्षेत्र जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर इनको आप रेगुलर अपने जीवन में यूज करेंगे, मैं अरिहंत प्रभु की ओर को ध्यान में रखते हुए ये बोलता हूं कि आप इस बीमारी से काफी दूरी पर रहेंगे। और इसलिए मैं अरिहंत प्रभु से आप सबकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, इस धरातल पर बैठे हुए सबों के लिए इस महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना। थैंक यू सर, आपने तो हमें कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। आई होप आप सभी को भी ये फैक्ट्स इतने ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। चलिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है सर की बातें सुनके कि जैसे सिर्फ इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जैनिज्म को फॉलो किया जा रहा है। ये तो हो गई हमारे फर्स्ट एपिसोड की बात। अब मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भी होता है, कि किया जाता है, सब ये बोलते हैं कि ये सब नियति का लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड। तो क्या COVID-19 का होना भी भगवान का लिखा हुआ था? वॉज इट प्लान्ड बाय गॉड या ये हमारी गलतियों की वजह से हुआ है? तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है कि COVID-19 जो हुआ है वॉज अ प्लान ऑफ गॉड और अ फॉल्ट ऑफ ह्यूमन। सो कमेंट डाउन, और जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा या सबसे इंटरेस्टिंग लगा उसको मैं जरूर रिपोस्ट करूंगी, या तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर मैं मेरी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में उसको डिस्कस करूंगी। तो प्लीज अपने विचार खुल के बताइएगा। थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड मोर अपकमिंग एपिसोड्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कमेंट अबाउट माई क्वेश्चन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टू स्टे अपडेटेड दैट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। सी यू सून।